Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we are covering the topic role of plant growth regulator in horticulture crop. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रोथ रेगुलेटर हार्मोन हैं जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं. तो ये पांच तरह के होते हैं, ये पांच तरह के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं. पहला ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिन, थर्ड साइटोकाइनिन, फोर्थ एब्सेसिक एसिड, फिफ्थ इथिलीन. ये पांच जो हैं ये ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं प्लांट में. जो ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन है ये ग्रोथ को प्रमोट होने में हेल्प करेंगे, और जो एब्सेसिक एसिड और इथिलीन है ये ग्रोथ की प्लांट की ग्रोथ को रोकने में मदद करते हैं. अब हम एक एक करके सबको पढ़ेंगे. पहला ऑक्सिन. ऑक्सिन आर प्रोड्यूस्ड इन मेरिस्मेटिक टिश्यू सच एज रूट टिप, शूट टिप, एपिकल बड, यंग लीफ एंड फ्लावर्स. ऑक्सिन जो है ये प्रोड्यूस होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है, रूट की टिप में, शूट की टिप में, एपिकल बड में, यंग लीफ में एंड फ्लावर्स में. ऑक्सिन नेम वाज गिवन बाय कोगल. ये नाम जो है हमें दिया था कोगल ने ऑक्सिन. नाउ द टाइप्स ऑफ ऑक्सिन. देयर आर टू टाइप ऑफ ऑक्सिन. फर्स्ट इज नेचुरल एंड सेकेंड इज आर्टिफिशियल. सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. समटाइम क्वेश्चंस ये आ जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी कि नेचुरल ऑक्सिन कौन सा है. तो नेचुरल ऑक्सिन हम IAA को बोलते हैं, जो नेचुरली प्रेजेंट होता है प्लांट के अंदर, मतलब इंडोल 3 एसिडिक एसिड. इसका मेन काम क्या होता है कि ये शूट को शूट के टिप पे प्रेजेंट होता है और शूट को आगे ग्रो करने में हेल्प करता है. एंड इट प्रिवेंट आल्सो प्री मेच्योरिंग फूड ड्रॉप एंड इट इज नेचुरल ऑक्सिन हार्मोन. ये जो है ये रोकेगा प्री मेच्योर फ्रूट को गिरने से. नाउ आर्टिफिशियल ऑक्सिन. द IBA, NAA, 2,4-D एंड डाइकेम्बा, दीज आर द आर्टिफिशियल ऑक्सिन. IBA जो है ये मेनली प्रेजेंट होता है रूट के टिप में, जो कि मेनली यूज फॉर द रूट फॉर्मेशन, जो यूज होता है रूट की फॉर्मेशन में. NAA फ्रूट थिनर है और प्रिवेंट करता है फ्रूट ड्रॉप को. नाउ 2,4-D, अगर हम 2,4-D का यूज जो है लेस देन 20 ppm करते हैं तो ये जो है फूड सेटिंग हार्मोन का काम करेगा. अगर हम इसको हर्बिसाइड के रूप में यूज करेंगे तो हमें जो है इसकी क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए होगी, मतलब मोर देन 20 ppm हम यूज करेंगे 2,4-D को. नाउ डाइकेम्बा, इट इज द एक्टिव हर्बिसाइड. स्टूडेंट, आपको ऑक्सिन समझ में आ गया होगा कि ऑक्सिन क्या होता है. ये प्रोड्यूस होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू में, जो कि कहाँ होता है, रूट की टिप में, शूट की टिप में, एपिकल बड में, यंग लीफ में एंड फ्लावर्स में. ये ऑक्सिन जो है नेम वाज गिवन बाय कोगल. एंड टाइप ऑफ ऑक्सिन ये दो तरह का होता है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. नेचुरल में एग्जाम्पल आता है इसका IAA, जो कि शूट की ग्रोथ में हेल्प करता है. ये शूट की टिप में प्रेजेंट होता है. और जो आर्टिफिशियल है ये तीन चार तरह का होता है, IBA, NAA, 2,4-D एंड डाइकेम्बा. IBA जो है ये मेनली रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, जैसे कि ये यहाँ पे रूट की टिप पे होता है, ठीक है, ये रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा. और ये जो IAA है ये शूट की टिप पे प्रेजेंट होता है, जो कि शूट को बढ़ने में हेल्प करता है. जनरली ये जो ऑक्सिन है ये प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करेगा, ये प्लांट को बड़ा होने में हेल्प करेगा, रूट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये लीव्स की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, ये मतलब प्लांट को ग्रो में हेल्प करेगा, ऐसे में हेल्प करेगा, ये ऐसे में हेल्प नहीं करेगा, इसको स्प्रेडिंग में हेल्प नहीं करेगा ज़्यादा. ये ऑक्सिन जो है मेनली प्लांट को लेंथ में हेल्प करेगा, इसकी लेंथ को इंक्रीज करेगा. नाउ अब हम जिब्रेलिन के बारे में पढ़ते हैं. जिब्रेलिन स्टिमुलेट द स्टेम इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड आल्सो इंक्रीज द फ्रूट साइज.
जिब्रेलिन जो है ये स्टेम को इलोंगेशन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है और इंक्रीज करता है फ्रूट साइज को। ये फ्रूट साइज को बढ़ाने में भी हम जिब्रेलिन का यूज करते हैं। सेल इलोंगेशन मतलब ये जो ली या फिर स्टेम में या फिर लीव्स में ये जो मैंने राउंड राउंड से लगाया हुआ है ये मान लो सेल है और ये इसको बड़ा मतलब बढ़ाएगा। तो ये क्या करेगा, अगर ये लीव्स ऐसी हैं तो ये इसको और बड़ा करेगा क्योंकि इलोंगेशन हो रही है सेल की। यहाँ पे स्टेम में भी वैसे इलोंगेशन होगी तो ये स्टेम को, अगर ये स्टेम की थिकनेस को बढ़ाता है, थिकनेस को बढ़ाएगा। तो ये जो जिब्रेलिन है ये जनरली स्टेम इलोंगेशन, सेल डिवीजन एंड आल्सो इंक्रीज द फ्रूट साइज। नाउ जिब्रेलिन प्रमोट द सीड जर्मिनेशन, ये जो है सीड ब्रेकिंग डोरमेंसी भी का काम भी करता है और ये जो प्रमोट करता है सीड जर्मिनेशन को। इंड्यूस सीडलेसनेस इन फ्रूट क्रॉप, इट प्रिवेंट ऑफ जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिनेस ऑफ प्लांट। नाउ साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन एज इट्स नेम, साइटो एंड काइनिन, साइटो मीन्स द सेल एंड काइनिन मीन्स द डिवीजन। सो इट प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट। ये क्या करेगा, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। जैसे एक सेल है ये दो में बटेगा, दो ये दो में आ गई, ये दो दो में, मतलब इस तरीके से ये डिवीजन होती रहती है इसमें। साइटोकाइनिन जो है ये दो तरह का होता है, नेचुरल साइटोकाइनिन एंड सिंथेटिक साइटोकाइनिन। नेचुरल साइटोकाइनिन मीन्स आईपीए, आइसोपेंटाइल एडेनिन एंड जीटन मीन्स जेड। सिंथेटिक साइटोकाइनिन कैनेटिन एंड बेंजाइल एडेनिन। साइटोकाइनिन प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैलस टिश्यू। साइटोकाइनिन इसका एक रोल ये भी है कि अगर प्लांट में कोई इंजरी हो जाती है या कुछ उसमें ऐसे घाव हो जाते हैं तो वो साइटोकाइनिन क्या करेगा कि सेल डिवीजन करेगा, तो ये प्लांट की इंजरी को भी ख़त्म कर देगा। अगर मान लीजिए ये प्लांट है, अगर ये यहाँ पे हम इंजरी आ जाती है इसकी, तो ये क्या करेगा, सेल को बढ़ाएगा और इस इंजरी को जो है ख़त्म करेगा। तो ये इसमें भी हेल्प करता है। नाउ एब्सेसिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी जिब्रेलिन, इट इज स्ट्रेस हार्मोन एंड इंड्यूस द डॉर्मेंसी, स्टोमेटा क्लोजर एंड प्रोटेक्टेड द सेल फ्रॉम डिहाइड्रेशन। ये एब्सेसिक एसिड जो है ये ग्रोथ इनिबिटर का काम करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एंटी जिब्रेलिन एंड इट इज द स्ट्रेस हार्मोन, ये प्लांट के अंदर स्ट्रेस जो है वो प्रमोट करेगा फॉर इंड्यूस द डॉर्मेंसी। ये स्टोमेटा क्लोजर भी है जो प्रोटेक्टेड करता है सेल को फ्रॉम डिहाइड्रेशन से। ये पानी की कमी नहीं होने देता है प्लांट्स में, ये प्रोटेक्ट करता है सेल को फ्रॉम डिहाइड्रेशन। नाउ अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब हम पढ़ेंगे इथिलीन के बारे में, जो कि लास्ट ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है, सॉरी इनहिबिटिंग हार्मोन है। नाउ इथिलीन, राइपिंग ऑफ फ्रूट, आइसोक्लाइमेट्रिक ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट अवेलेबल इन टू फॉर्म, फर्स्ट इथरल एंड सेकेंड इज एथीफोन। इन इथरल इट इज ए लिक्विड फॉर्म ऑफ इथिलीन एंड यूज फॉर बनाना फ्रूट राइपनिंग। इथरल जो है ये लिक्विड फॉर्म है इथिलीन का, जो कि जनरली हम यूज करते हैं बनाना के फ्रूट को राइप करने में। नाउ इथीफोन, इट इज द गैसेज फॉर्म ऑफ इथिलीन एंड यूज फॉर अर्ली राइपनिंग ऑफ शुगर केन, वीट, कॉफी, टोबैको एंड राइस। तो ये इथेफोन जो है ये गैसेस फॉर्म में होता है इथिलीन का, जो हम यूज़ करते हैं जनरली राइप को जल्दी राइप करने के लिए, शुगर कैन में, वीट में, कॉफ़ी में, टोबैको में एंड राइस में। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं।